से एचएफए 500 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए बोर मॉडल। प्रिय विद्यार्थियों, सन 1913 के अंदर नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने एक मॉडल दिया। उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां रही उन कमियों को दूर करने के लिए मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से उन्होंने दो संशोधन किए, जो इस प्रकार से हैं। तो नंबर एक, उन्होंने बताया कि जब किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वो केवल एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहा जाता है, और उन कक्षाओं के लिए कोणीय संवेग का जो मान होता है, उन कक्षाओं के लिए कोणीय संवेग जो संवेग है, संवेग का मान L बराबर NH / 2 पाई होता है। इन कक्षाओं को भाई स्थायी कक्षा कहा जाता है। तो क्या बताया बोर ने पहले संशोधन में कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और वे उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए कोणीय संवेग का मान NH / 2 पाई होता है, जहां N मुख्य क्वांटम संख्या है, H प्लैंक नियतांक है। तो ये पहला उन्होंने चेंजमेंट किया। दूसरा नंबर को भी ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन या किसी प्रकार की वह ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता है। और उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक स्थायी कक्षा से किसी दूसरी स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है, संक्रमण करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, तब वह यदि अंदर वाली कक्षाओं में संक्रमण करता है, तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन कुछ विकिरणों को ऊर्जा के रूप में बाहर निकालता है, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। तो नंबर दो में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो वह किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। वह केवल एक स्थायी कक्षा से जब वह किसी अन्य कक्षा में संक्रमण करता है तो वह उस अवस्था में एक विकिरण रूप में ऊर्जा को बाहर निकालता है। यूं कहें कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तब इलेक्ट्रॉन जब संक्रमण करता है वह अंदर वाली कक्षा में आता है, उस कंडीशन में वह एक विकिरण रूप में ऊर्जा को बाहर निकालता है। और इसी के आधार पर सन 1922 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तो इनके संशोधन थे। अब हम इसकी परिकल्पना की बात करें कि नील्स बोर की कौन कौन सी और क्या क्या इनकी परिकल्पना है। देखो, नंबर एक पे इनकी जो प्रथम जो परिकल्पना है वो क्या है, तो जो नंबर एक पर बोर की प्रथम जो परिकल्पना वो क्या कहती है, इसकी प्रथम परिकल्पना ये कहती है कि जब किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वह एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्रीय जो बल लगता है वह आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले विद्युतीय बल से मिलता है। कहने मतलब क्या हुआ कि माना ये परमाणु है, माना ये बीच में नाभिक हो गया, नाभिक में हम जानते हैं धनावेश पाया जाता है, और माना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ माइनस आवेश पाया जाता है। तो क्या होगा कि जब ये इस नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाएगा वर्ती मार्ग पर, तो चक्कर लगाने के लिए इसे जो अभिकेंद्र जो बल होगा वह अभिकेंद्रीय बल इनके बीच लगने वाले विद्युतीय बल से प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिकेंद्र जो बल का मान है वो अभिकेंद्रीय बल का मान विद्युतीय बल क्या होगा, बराबर होगा। अपन कह सकते हैं कि जो अभिकेंद्रीय जो बल है उस अभिकेंद्रीय बल का मान विद्युतीय बल के क्या होगा भाई, बराबर होगा। अपन जानते हैं कि भाई अभिकेंद्रित बल का मान क्या होता है, माना
एम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का हो, माने विवेक से गति कर रहा हो, माना आर त्रिज्या हो वृत्ताकार मार्ग की, तो उस कंडीशन में इस बल का मान हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसका हो जाएगा, अगर तो ये नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है तो हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं के का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के का मान रख देंगे तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और बराबर में के का मान रख दो यहाँ, तो ये जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये इनका मान दोनों का बराबर हो जाएगा। तो प्रथम परिकल्पना में बोर यही कहना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है वर्ती मार्ग में, और वर्ती मार्ग में चक्कर लगाने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल लगता है, यह अभिकेंद्रीय बल इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले विद्युतीय बल से प्राप्त होता है, मतलब का मान क्या दोनों क्या होता है बराबर होता है। ये थी इसकी प्रथम परिकल्पना। तो दूसरी क्या थी, दूसरी ये है कि स्थायी जंक्शन में जब यह है, दूसरी यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा पाएगा जिनके लिए कोणीय संवेग का मान, यानी कोणीय संवेग का मान एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई होगा। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाएगा जिनके लिए कोणीय संवेग का मान कितना होगा भाई, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई होगा, जहां एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वी वेग है, आर वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या है। यहां हम इसको लिख सकते हैं कि जहां एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और भाई वी उसका वेग हो गया इलेक्ट्रॉन का, और आर क्या यहां पे वर्ती मार्ग की त्रिज्या है, वर्ती मार्ग की त्रिज्या है, और यहाँ ये जो H है, H जो है वो प्लांक नियतांक होता है, H प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है, और N जो है N मुख्य क्वांटम संख्या है, N क्या है भाई, N मुख्य क्वांटम संख्या है, N मुख्य क्वांटम संख्या है। तो ये उनकी द्वितीय परिकल्पना है, उन्होंने यही कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन उन्हें स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा पाएगा जिनके लिए कोणीय संवेग का मान एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है, जो तीसरी जो परिकल्पना आती है, तो तीसरी उनकी परिकल्पना इस प्रकार से है कि जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में जब चक्कर लगाता है तो वह किसी प्रकार का भी उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी स्थायी कक्षा से या जब किसी उच्च कक्षा से किसी दूसरी कक्षा में जब वह संक्रमण करता है तो उस कंडीशन में वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उस कंडीशन में अपन ऐसा मान ले कि माना इलेक्ट्रॉन अभी N1 कक्षा में चक्कर लगा रहा है जिसकी ऊर्जा En1 है। माना जब इस परमाणु को या माना इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो माना यह उच्च कक्षा में चला जाता है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो ऊर्जा डेल्टा E बराबर En2 माइनस En1 से प्राप्त होती है, मतलब उसकी ऊर्जा दोनों कक्षाओं के ऊर्जा के अंतर के बराबर प्राप्त होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब यह इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा से या किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो उस कंडीशन वह एक फोटोन के रूप में ऊर्जा को बाहर निकालता है, विकिरण बाहर निकालता है। उस कंडीशन में जो ऊर्जा होती है फोटोन की, वो भी उस फोटोन की ऊर्जा दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर प्राप्त होती है, या एच न्यू फोटोन की ऊर्जा है। इस प्रकार उसकी यह तीसरी परिकल्पना है। ये था अपना बोर मॉडल, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।